हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और क्रोशिया तोरण लेकर आए हैं। ये बहुत ही नया डिजाइन है और देखने में बहुत ही सुंदर है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम ये तोरण बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पट्टी बनाना देखेंगे। देखिए, मैं एक चेन बनाऊंगी, 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 16 की चेन बनाऊंगी। आप चाहें तो छोटी या बड़ी अपनी इच्छा से बना सकते हैं। देखिए, मैंने 16 की एक चेन बना ली है। फिर इस तरह से धागा करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर दूसरी बार भी इसके पास वाले होल से पीछे से क्रोशिया के धागा करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं और आगे भी इसी तरह से हम इसी तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड लाइन में भी इसी तरह से धागा करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं फिर से, और इस लाइन को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने ये सेकंड लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट कर ली है। थर्ड लाइन को भी इसी तरह से पूरा करेंगे। देखिए, मैंने ये 7 लाइन इसी तरह से डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर ली है। अब हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके पास वाले होल से ये धागा निकाल कर गांठ लगा लेते हैं। अब इस तरह से करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं। अब दूसरे कलर की ऊन को टाइट खींच लेते हैं जिससे कि ये पट्टी ढीली ना हो, और आगे भी डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए, और लास्ट में 2 जगह ये सेकंड कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे दोनों तरफ। देखिए, ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब पहले 2 बार इस कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। अब येलो कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। इस लाइन को भी पहले की तरह कंप्लीट करेंगे जैसे कि इससे पहली लाइन की थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।
अब ये येलो कलर की ऊन से चार जगह से डबल क्रोशिया करेंगे। अब मेहरून कलर की ऊन से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब इस लाइन को पहली लाइन की तरह कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इससे पहली लाइन की थी। फिर से चार जगह से येलो कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। अब दो जगह से मेहरून कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। अब सात जगह येलो कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे पूरी लाइन को मेहरून कलर की ऊन से कंप्लीट करेंगे। देखिए अब इस लाइन को इससे पहले की जो लाइन की थी उसके जैसी कंप्लीट करेंगे। इस लाइन में भी सात जगह येलो कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारा आधा डब्लू बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि इधर पार्ट बनाया था ऐसा ही पार्ट सेम उधर बनाएंगे। चार बार येलो कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। पूरी लाइन को अब मेहरून कलर की ऊन से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस लाइन में भी चार बार येलो कलर की ऊन से कंप्लीट करेंगे। इस लाइन को जैसे कि इससे पहली लाइन है इस तरह से पूरा करेंगे। अब दो बार मेहरून कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारा वेलकम का पहला अक्षर डब्लू बन गया है। देखिए हम प्रत्येक अक्षर के बीच में ये चार लाइन
मेहरून कलर की ऊन से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारा डब्लू बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम वेलकम के सभी अक्षरों को लिखेंगे। देखिए वेलकम की लास्ट अक्षर ई है। अब हम लास्ट में ये 6 बार इस कलर की ऊन से पूरा करेंगे। देखिए हमारी पूरी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके चारों ओर एक डिजाइन बनाएंगे। देखिए हम एक ही होल से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक की चेन बनाएंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसके चारों ओर इसी तरह से डिजाइन बना लेंगे। अब हम एक होल से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे ये मैं 16 की चेन बनाऊंगी। आप चाहें तो बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं। देखिए फिर एक ही होल से फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक 16 की चेन बना लेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहते हैं। अब हम फिर से एक ही होल से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम आगे थोड़ी और चेन बनाएंगे। अब इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब हमने पहले जो 4 बार डबल क्रोशिया किया था उसके बीचों बीच से येलो कलर की ऊन को जॉइंट कर लेते हैं और बीच से 4 बार डबल क्रोशिया करते हैं। फिर से एक 16 की चेन बना लेते हैं। और इसके बीच में 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, बीच से 4 बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। और फिर एक 16 की चेन बना लेते हैं।
और फिर दोनों तरफ दो दो छोड़कर बीच से चार बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। और फिर आगे थोड़ी चेन बना लेते हैं जैसे कि पहले बनाई थी, और जो पहले बनाई थी उसे थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, और इतना लंबा करते हैं कि थोड़ा आगे मोड़ इसमें पहुंच जाए। देखिए अब इसके बीच से चार बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। पहले की बराबर चेन बना लेते हैं और फिर से बीच से चार बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए हमने तीनों लाइन बराबर पूरी की है। हमने फिर से एक चेन बना ली है अब पहले हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दो छेक कर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक छोड़कर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम इसमें पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए मैंने पांच बार बीच से डबल क्रोशिया किया है और फिर एक चेन बना लेते हैं। इस चेन को हम थोड़ा थोड़ा घटाते जाते हैं जिससे कि इसका शेप अच्छा बने, और फिर बीच से चार बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। इसके दोनों साइडों में इसी तरह का डिजाइन बनेगा। देखिए ये मेरी चार लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर से एक चेन बना लेते हैं। और अब प्रत्येक कुंदा के बीच में डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रहा है। अब हम फिर से एक चेन बनाते हैं। हम प्रत्येक चेन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घटाते रहेंगे।
अब हम इसमें से चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। और आप एक चेन बना लेंगे। देखिए अब हम एक कुंदा इधर छेद देते हैं और एक इधर छोड़ देते हैं और इसके बीच से दो बार डबल क्रोशिया करते हैं। अब इससे अगले होल से डबल क्रोशिया करते हैं। अब इसी तरह से हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। हम लास्ट में एक कुंदा इधर छोड़ देते हैं और एक इधर इसके बीच से डबल क्रोशिया करते हैं। फिर से इसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। शुरू और लास्ट में हम इसके बीचों बीच से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से। ये एक की चेन होती है उसमें कमर हम दो बार डबल क्रोशिया करते हैं। लास्ट में हम एक इधर छोड़कर एक इधर छोड़कर डबल क्रोशिया करते हैं जिससे कि इसका आकार थोड़ा बढ़ता रहे। देखिए अब हम पूरी लाइन को पहले की तरह इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से एक चेन बना लेते हैं। देखिए 10 लाइन तक हम इसके आकार को बढ़ाते रहते हैं। फिर एक की चेन बनाएंगे, फिर इससे अगले होल से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम इसके आकार को छोटा करेंगे। अब दो कुंदा छेक कर इससे अगले होल से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम जो इसमें होल हैं उन्हें का डबल क्रोशिया करते जाएंगे और इसका आकार इसी तरह से घटता जाएगा। देखिए पहले हम ये चेन बनाते हैं। चेन को प्रत्येक बार छोटा करते जाते हैं। अब हम प्रत्येक लाइन में होल से ही डबल क्रोशिया करते रहेंगे।
भी इस तरह से ही घटता जा रहा है। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें ये दो बार डबल क्रोशिया होल होल से करना है। देखिए मेरी लास्ट लाइन है। अब इस तरह से चेन बनाकर इसके बीच से चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये होल से डबल क्रोशिया जब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में एक होल ना रह जाए। इस तरह से डबल क्रोशिया कर देते हैं दो बार। देखिए हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें फुदना लगाना बताएंगे। ये मैंने उंगली पर 30 बार ऊन लपेट ली है। फिर इसे बीच से कट कर देते हैं और फिर ये जो चेन बनी थी उसमें बराकर इसे बांध देते हैं। अब एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देते हैं। देखिए हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारी ये पूरी झालर बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।